जैन निकोल लॉफ्टी ईटन, ये नाम ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इस खिलाड़ी ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए। क्या विराट, क्या रोहित और क्या क्रिस गेल, जो ये नहीं कर पाए वो नामीबिया के इस बल्लेबाज ने करके दिखाया है, जिसने नेपाल के खिलाफ मैच में T20I क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। इस समय नेपाल, नीदरलैंड और नामीबिया के बीच ट्राई T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसमें 27 फरवरी को नामीबिया और नेपाल के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ने नेपाल के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए केवल 33 गेंदों पर 8 छक्के और 11 चौकों की मदद से 101 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 280 के पार रहा। बता दें, इससे पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला के नाम था, जिन्होंने 2023 एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ केवल 34 गेंदों पर शतक ठोका था। बता दें, भारत के रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर T20 शतक ठोका है।